बचपन की दोस्ती सबसे अनोखी होती है। ऐसी दोस्ती जिसमें किसी भी तरीके की एक्सपेक्टेशन नहीं होती, कोई चाहत नहीं होती, सिर्फ प्यार ही प्यार होता है। फिर ऐसी दोस्ती क्यों ख़त्म हो जाती है? क्यों कोई अपना बिना बताए छोड़ के चला जाता है? क्यों कोई अपना खो जाता है? नमस्कार, मैं विकास कुमार आप सबका अपने पॉडकास्ट डीपली सिंपल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपनी डीपली सिंपल पिटारे से एक नई कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है सेफ्टी पिन। कहानी शुरू करने से पहले मैं अपने दो नए गेस्ट से आप सभी को रूबरू कराऊंगा। उनके नाम हैं मिस ज्योति जो कि कोलकाता से हैं, और दूसरे हैं मास्टर अर्घ जो झारखंड के देवघर से हैं। इन दोनों ने अपनी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ मेरी इस कहानी में दी है और इस कहानी को चार चांद लगाया है अपने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और टैलेंटेड वॉइस से। तो चलिए सुनते हैं कहानी सेफ्टी पिन। दरवाजे की घंटी बजती है और लीना भाग के दरवाजा खोलती है। सामने राज और अपने बेटे वैभव को देखकर पहले तो कुछ नहीं बोलती है, फिर गुस्से से अपने बेटे वैभव के तरफ देखकर लीना बोली, ये क्या किए हो वैभव तुम? आज स्कूल में फिर झगड़ा? ये तुम्हें हो क्या गया है? हर दिन स्कूल में तुम किसी न किसी से मार पिटाई करके चले आते हो। मम्मा सॉरी, वो आर्यन ने अंजलि की नोटबुक फाड़ दी तो मुझे गुस्सा आ गया। देख रही हो लीना, और दिखाइए इनको एक्शन मूवीज और स्टार वॉर सीरीज। 8 साल के हैं और सबको बचाते चल रहे हैं, मारपीट करते चल रहे हैं स्कूल में ये। मैं अर्जेंट मीटिंग छोड़ के आया हूँ और सीधे स्कूल गया था मैं इसे लाने के लिए। वो तो बार बार इनके प्रिंसिपल सर का मैसेज आ रहा था। अभी लास्ट मंथ अपने सीनियर से झगड़ा किया इस लड़के ने। आई एम टेलिंग यू लीना, आई एम डन। अब इसे नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसे बोर्डिंग में डाल रहे हैं बस। एक मिनट राज, तुम्हें हो क्या जाता है? बच्चा है ये, और लड़ाई झगड़ा क्या हम लोग अपने स्कूल में नहीं करते थे? वैभव गो टू योर रूम एंड चेंज योर शर्ट। राज तुम बैठो ना, मैं चाय बनाती हूँ, रिलैक्स ओके? आर्यन ने अंजलि की नोटबुक फाड़ दी तो इनको गुस्सा आ गया, और फिर इसने आर्यन की शर्ट फाड़ दी। आजकल के बच्चे ना, अरे हम भी स्कूल जाते थे, हम भी झगड़ा करते थे। कोई मुझसे झगड़ा करता था तो मैं सीधे प्रिंसिपल को जाके कंप्लेन करता था, फिर उसके और मेरे पापा को ऑफिशियल मेल जाता था, मीटिंग होती थी। यू शुड फॉलो द रूल्स ना, कि ऐसे ही किसी का कहीं भी कुछ भी फाड़ देंगे। पता नहीं ये लड़का किससे सीख रहा है ये सब। मुझसे सीखा है। नाउ कम ऑन लीना, मजाक मत करो, मैं बहुत गुस्से में हूं, जल्दी चाय बनाओ यार, मैं मीटिंग बीच में छोड़ के आया हूं। ऑन राज, मीटिंग तुम्हारे कलीग्स भी संभालेंगे ना, कभी तो अपनी वाइफ और बच्चे के लिए टाइम निकाला करो, हर वक्त ऑफिस मीटिंग्स कॉल्स। टाइम नहीं देता हूं का क्या मतलब है लीना? ऑफिस का काम नहीं करूं तो ये घर कैसे चलेगा? वैभव की स्टडीज, हमारे फ्यूचर प्लान्स, इतना कुछ कर रहा हूं, बट यू कांट डू अ सिंगल थिंग कि वैभव को समझाओ। मैं बार बार उसके प्रिंसिपल के सामने जाकर सॉरी नहीं बोल सकता। उफ़ो राज, तुम अभी भी मेरे बेटे के स्कूल को लेके पीछे पड़े हो। ये उसकी एज है, ही जस्ट नीड अ सेफ्टी पिन। बच्चा है यार, मैंने भी स्कूल में ऐसे मारपीट की है, पूरी यूनिफॉर्म फट जाती थी, पर मजा बहुत आता था। क्या दिन थे वो स्कूल के यार। माय गुडनेस, तुम सही कह रही हो, वैभव तुम पे ही गया है। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम क्या कह रही हो, ही नीड्स अ सेफ्टी पिन? व्हाट सेफ्टी पिन? हाँ सेफ्टी पिन ही तो कहा मैंने, हर किसी को अपनी लाइफ में एक सेफ्टी पिन चाहिए होता है, जो आपको हर मुश्किल समय में संभाल सके, आपका भरोसेमंद साथी, जो आपको सेफ रखे और वक्त आने पे आपका हथियार भी बने। राज यू रिमेम्बर ना, मैं तुम्हें विक्रम के बारे में बताती थी, मेरे स्कूल का बेस्ट फ्रेंड, ही वॉज माई सेफ्टी पिन। वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था, लेकिन जब जब स्कूल में मेरा किसी सीनियर से झगड़ा होता था वो हमेशा मेरे साथ रहता था। वो मेरे लिए टीचर से मार भी खाया करता था, क्योंकि जब जब वो मेरा होमवर्क करता था उसकी हैंडराइटिंग पहचान ली जाती थी। पता है जब मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाया करती थी तो घर पे उसी का ही नाम लेके जाती थी, और वो मेरे पापा के सामने जाके झूठी गवाही भी देता था कि अंकल लीना मेरे साथ थी।
पता है राज, एक दिन जब स्कूल में मेरा सीनियर्स के साथ झगड़ा हुआ था और विक्रम के साथ मैं घर आ रही थी, मेरी फटी हुई यूनिफॉर्म को देख के उसने एक सेफ्टी पिन निकाला और मुझे देखकर कहा कि लीना, आज मैं तेरे साथ घर नहीं आ पाऊंगा। मैंने हंसते हुए कहा, हे मिस्टर सेफ्टी पिन, तुम तो आज मेरे लिए सच में सेफ्टी पिन लेकर आ गए। लीना, मैं कल से स्कूल नहीं आऊंगा। मेरे पापा का दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया है। हम लोग इस शहर को छोड़ के जा रहे हैं। उस दिन ऐसा लगा कि मेरा सेफ्टी पिन कहीं खो गया। उसके बाद कितना ढूंढा उसे, पर लाइफ की भीड़ भाड़ में वो छोटा सा सेफ्टी पिन हमेशा हमेशा के लिए गुम हो गया। राज, ये लो चाय। मम्मा, आप किससे बात कर रही हो? आप तो कब के चले गए? तो ये थी कहानी सेफ्टी पिन। क्या आपको आपका सेफ्टी पिन मिला? थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टोरी सेफ्टी पिन। अगर ये आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस कहानी को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मेरे वेबसाइट vikasthestoryteller.com पे जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं। कीप लिसनिंग माई पॉडकास्ट डीपली सिंपल विद योर होस्ट एंड दोस्त विकास।